वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाकिस्तान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है जी। जिसने डाउनलोड कर लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेना, स्टार्टिंग में ही डाउनलोड करके रख लेना, बाद में फिर वेबसाइट वगैरह जो है थोड़ी हैवी हो जाती है, कई सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं डाउनलोड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आज की डेट में जो आप लोग आगे लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है, तो मैं उसमें कोशिश करूंगा जितने से ज्यादा आप लोगों का रिवीजन करा सकूं, तो वो कोशिश करूंगा। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, उनके आंसर भी आप लोगों को देने हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छा होता रहेगा, लेक्चर काफी ज्यादा और प्रोडक्टिव आप लोग होते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आंसर देना जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूं, और एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को लिख लेंगे ना, लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे, या फिर अपना कोई लिख लो, अपना कोई A4 साइज शीट पर अपने आंसर लिख लो, ठीक है। तो जैसे भी आप लोगों को सुटेबल करो, बस एक बार लिख कर देख लेना है आंसर, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, जो आंसर अच्छे पोस्ट करेगा उसका नाम जो है मैं अगले दिन वीडियो के अंदर बताया करूंगा। तो ये भी आप लोग एक तरीके से मोटिवेशन का सोर्स ले सकते हैं, एक तरीके से कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को रेगुलर आंसर लिखना है, ठीक है। इसी के साथ में आंसर राइटिंग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि सही है कि आंसर राइटिंग जो है करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट देना है एक आंसर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन लगता है कि प्रीलिम्स आज तक क्लियर नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो आंसर राइटिंग स्टॉप कर दीजिए, कंप्लीटली रिविजन पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सजेशन तो ये रहेगा कि 20-22 दिन बचे हुए आंसर राइटिंग रहने दो अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, अब तक नहीं कर रहे हो। जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आंसर राइटिंग कंटिन्यू करते रहना, और आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है, फेसबुक के ऊपर भी, टेलीग्राम के ऊपर भी। तो यहां पर है टेलीग्राम, इस पर जाकर आप लोग लिखते रहिए। और इसके अलावा आप लोगों को लगता है अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन जैसे आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चन है, तो उनको आकर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को आंसर दिया करो, कई सारे बच्चे कर रहे हैं ऐसा, तो अच्छा लगता है, तो आप लोगों की और अच्छा डिस्कशन बढ़ेगा और अच्छे से काम चलेगा। पर लेकिन क्वेश्चन का आंसर ही देना है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ओके। यह है टेलीग्राम जहां पर 1,38,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, यहां पर सारी पीडीएफ भी आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, अपना डाउनलोड कर लेना सारी चीजें। इसी के साथ में यह है बेसिकली स्टडी लॉ और वीर के नाम से, और यहां पर आंसर राइटिंग ग्रुप है, अगर आप लोग आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सारे लिंक जो है आप लोग को वीडियो के नीचे इनके मिल जाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को बोली है, वीडियो को एंड तक देखा करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों की रिवाइज कराने वाला हूं, तो लेक्चर को जितना अच्छे से एंजॉय करोगे उतनी ही ज्यादा चीजें आप लोगों के माइंड में सेट होती चली जाएंगी, ठीक है। यानी कि हल्के में नहीं लेना, ऐसे नहीं कि घूमते फिरते लेक्चर सुन रहे, कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि सारी चीजें पीपीटी में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी रहेंगी और आप लोगों को ना पता हो, जो भी आप लोगों को ना पता हो। देखिए अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं, ठीक है, तो जो आप लोगों को लगता है नहीं पता है उनको नोट डाउन कर लो, तो कॉपी और पेन साथ में रखा करो, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, खासकर फिलहाल के टाइम पर दो, ठीक है। तो ये कुछ बातें, बाकी क्वेश्चन जो भी मैं पूछता हूं उनके आंसर अच्छे से देने, तो अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और आपका भी रिवीजन होता रहेगा, ओके। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अच्छा, पेपर कौन कौन दे रहा है, जो पेपर दे रहा है यस लिखना, और जो आगे देने वाले हैं 22, 23, 24 में, वो अपना ईयर लिखना किस ईयर में देने वाले हैं, ठीक है। इससे मुझे भी अंदाजा लगता रहता है कि हाँ किस तरीके से आप लोगों की जो है प्रिपरेशन चल रही है, तो उसी हिसाब से फिर मैं भी बहुत चीजें इसमें इंक्लूड करता रहता हूं लेक्चर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया कि अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता कि आप जैसी जिंदगी किसी का सपना हो। इंसान जो है अपनी जिंदगी को हमेशा कोसता रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार आसपास में कई सारे लोग मिल जाएंगे, यार मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे तो सारे ना जिंदगी में ऐसी चीज चलती रहती है, कहीं भी जाऊं ये दिक्कत होती रहती है, और एक तरीके से ऊंट पर भी बैठ ले तो कुत्ता काट लेता है, ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को लोग देखते हुए मिलेंगे। इस तरीके के जो लोग हैं ऑलरेडी अपना नेगेटिव इन्वायरमेंट बना चुके हैं, उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो। जिंदगी चाहे कैसे भी हो, आप लोग हमेशा बोल रहे कि मेरी जिंदगी शानदार है, और आप लोगों को हमेशा उसको एंजॉय करते रहना है, तो आप लोगों के अंदर से पॉजिटिविटी निकल कर आएगी, इससे फिर आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैक्सिमम इंसान जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी अपने आप घटा लेते हैं ऐसी ऐसी बातें बोलकर, अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे आप लोग, तो आप लोग काफी कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा जिंदगी में, और रियलिटी में आप लोग इसको फील भी करते हुए नजर आएंगे। नहीं अगर आप लोगों को यकीन है इन चीजों के ऊपर, तो एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, जिंदगी में अगर प्रोडक्टिविटी ना आए तो मुझे बताना फिर, ठीक है। तो जरूर प्रोडक्टिविटी आएगी यार, एक बार देखो तो सही है चीजें, पर लेकिन हम लोग इनको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, पहले आप लोग इनके अटेम्प्ट कीजिए इनको, फिर वीडियो के एंड तक बने रहना, इनके आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक एक कर यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमामी आइलैंड, ठीक है। अमामी आइलैंड जो है सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन, ठीक है, किससे बिलोंग करता है ये आप लोगों को बताना है। देखिए मैं डेली आप लोगों को मैप बेस्ड क्वेश्चन देता हूं और वीडियो के एंड में इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग रेगुलरली जो आप लोगों को मैप बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप लोग इनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे मैप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, अब तो आप लोगों को बहुत सारी लोकेशन याद भी होने लगी। एक बच्चा कह रहा था कि सर पहले कुछ याद नहीं रहता था, अब रेगुलर लोकेशन याद होने लगी है,
ये सारी रेगुलर प्रैक्टिस से चीजें होती हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहने से ही इंसान जो है वो छोटे छोटे पत्थर उठाकर फेंकेगा ना, तो मांझी की तरीके से पहाड़ में वो एक तरीके से रास्ता बना देता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देखिए। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा इनको सोचते हैं नहीं, डेली करने से क्या होता है, आदत नहीं बनाते हैं तो फिर दिक्कतें देखने लगती हैं। ठीक है, थीके? तो यहां पर बताइए किसका है ये बेसिकली आइलैंड, चाइना, जापान, फिलिपिन या फिर वियतनाम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, आंसर इसका वीडियो के एंड में मिलेगा। एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर बात की जा रही है बोर वार के बारे में, तो आप लोगों को ये बताना है किस किस के बीच में ये लड़ी गई थी, ब्रिटेन डच, डच फ्रांस, ब्रिटेन साउथ अफ्रीका या फिर फ्रांस ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो दोनों क्वेश्चन के जो है आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में मिलने वाले हैं, और जो क्वेश्चन मैंने कल पूछे थे उनके भी आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो थोड़ा सा जो हंसी मजाक दुनियादारी जो चलती थी, वो एक बच्चा बोला है सर कुछ भी नहीं कर रहे हो, कल तो आपने हंसी मजाक नहीं किया। हंसी मजाक चलता रहेगा, थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू में हंसी मजाक होता है, वो जहां पर रिक्वायरमेंट होती है उसकी वहां पर चीजें होती रहती है, पर लेकिन फोकस ज्यादा पढ़ाई पर करो। ठीक है, अच्छे से देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल के तो जानेंगे, बहुत सारी आर्टिकल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने को आप लोगों को मिलेगी, जिसके चलते आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है यहां पर, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा। एजीआर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एजीआर क्या है अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी आर्टिकल में तो मैं इसके बारे में बताऊंगा ही, तो डिटेल में समझेंगे, काफी प्यारा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी एक ग्रुप बनाया गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप है AUKUS। ठीक है, तो इसको जानेंगे आखिर ये ग्रुप क्या है, और काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा सारी चीजें बताकर, और क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा और प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाएंगे कई सारे, तो जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ई श्रम के बारे में बात की जा रही है। ई श्रम क्या है, ये स्कीम है आप लोग अगर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आगे एपीएफसी का पेपर आने वाला है, तो वहां पर ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस स्कीम के बारे में बात करें, कुछ लिखने के लिए आता है एग्जाम में, वहां पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन जाएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और रिलेटेड किस चीज से है, तो जानेंगे कई सारी बातें। इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में तो देखेंगे इसको, देखिए आप लोगों का आर्टिकल बचे हुए हैं एक दो पहले का भी, जो जो आर्टिकल बच जाता है टेंशन मत लीजिए, संडे में कवर कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई सारे आर्टिकल आप लोगों के पास्ट में कवर कर चुका हूं, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार, मेरे ऊपर छोड़ दो, आप लोग बस पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, ये यहां पर बात की जा रही है बेसिकली, अभी बीजेपी में कई सारे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर चेंज किए जा रहे हैं वो सब बातें हैं, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये वाला आर्टिकल भी आप लोग एक यहां पर बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि बात ये की जा रही है कि फिलहाल कोविड 19 के चलते जो इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ठीक है, तो उसमें किसको सबसे ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए, तो आप लोगों को पता है कि यार गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर कोई सेक्टर ऑलरेडी डूबा हुआ है तो प्राइवेट वाले तो उसको उठाने से रहे, प्राइवेट वाले तो वहां पर आकर छलांग लगाएंगे जहां पर उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में ही वो आकर कूदेंगे, पर लेकिन अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो वो बेसिकली जनता के लिए काम करेगी, सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, तो बेसिकली गवर्नमेंट को पहले यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए बोला गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले चीजों को मेंटेन रखने के लिए, तब जाकर कोई आकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगा। और आप लोगों को पता है कोविड 19 ने सारी चीजें बर्बाद करके रख दी हैं, तो बोला यही जा रहा है कि अब फिलहाल जो है गवर्नमेंट को इन चीजों को समझना चाहिए, लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा जाना चाहिए, स्कीम आनी चाहिए जिससे कि चीजें आगे बढ़ती नजर आए। ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये बेसिकली इससे रिलेटेड है, जो बेसिकली अभी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए तो उसी के बारे में, तो इसको कंबाइन कर यहां पर डिस्कस कर लूंगा, बाकी न्यूज एनालिसिस जरूर सुनना वीडियो के जो एंड में मैं डिस्कस करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, कुछ बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक कर यहां पर देखते हैं, पर सबसे पहले जो मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं ये चक्षु खोलेगा, बहुत सारी बातें बताने वाला है, ई श्रम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसी के साथ में गिग वर्कर क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को, जैसे कि यहां पर कंटिजेंट वर्कर पूछ ले कोई आप लोगों से क्या होता है, अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर पूछ ले क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, पर लेकिन आर्टिकल में मत ढूंढने बैठ जाना इनको, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप लोगों की एक्स्ट्रा है, जो कि एक तरीके से जो मैंने अलग से तैयार किए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो जो एडिटोरियल का एक एडिटोरियल रहता है ना, उसके अंदर आप लोग ये समझ सकते हैं कि कई सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बोला गिग वर्कर क्या होते हैं, जिसको पता है बताइए गिग वर्कर क्या होते हैं, तब तक आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में बात की जा रही है ई श्रम स्कीम के बारे में। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई साहब बता दो ई श्रम स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, यही सारी चीजें जो है आप लोगों के ईपीएफओ तो लेबर मिनिस्ट्री होगी, तो उसके लिए भी स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जो आगे एपीएससी का पेपर आएगा उसमें भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं ई श्रम स्कीम किसको फायदा पहुंचाने वाली है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो भी यहां पर कहीं सड़कें बन रही है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं बांध बन रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाएगी। माइग्रेंट वर्कर, जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में काम करना चाहते हैं। गिग वर्कर क्या है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर, इनके बारे में जानेंगे। स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं, जो गलियों में सामान बेचने जाते हैं, उनको फायदा पहुंचाएगी। घरों में काम करते हैं डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर खेतों में काम करते हैं, और अदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके लिए बेसिकली स्कीम है, ये ध्यान
रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, उसके बारे में फिर चीजों को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि पूरा इसी के बारे में आर्टिकल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप लोग इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हो नॉर्मली, और ऑर्गेनाइज सेक्टर को आप लोग फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हो, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो नाम से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों का जो रूम है वो अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ है, किताब कहीं है, लैपटॉप कहीं है, मोबाइल कहीं है, कपड़े कहीं है, मतलब एक सोने का सामान पर ही सारी वहां पे किताब पड़ी हुई है, मतलब ये कि मैस पड़ा हुआ है पूरा रूम में, मैस है बिल्कुल एकदम उल्टा सीधा है सब कुछ, तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड रूम हो गया। पर लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग अगर कभी को मुझे टाइम मिलेगा, कभी आगे चलकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज रूम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर जिंदगी में आप लोग ऑर्गेनाइज कर पाते हैं तो ये भी एक तरीके से आप लोग की लाइफ की पर्सनैलिटी को शो करता है कि हाँ यार इंसान जो है अपनी जिंदगी को अच्छे से लेकर चल रहा है। एक एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, मुझे पता रहता है मेरा पेन तक कहां रखा हुआ है, ठीक है, मैं अपनी वॉच निकाल के रखता हूं तो कहां रखी हुई है, ठीक है, मोबाइल कहां रखा, वॉलेट बाहर से आता हूं तो कहां पे रखता हूं, गाड़ी की चाबी कहां पे रखी हुई है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मुझे पता रहती है, एग्जैक्टली मेरी लोकेशन, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज। तो इस तरीके से जिंदगी में आप बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आप लोगों को अगर पता रहेगा नेक्स्ट डे आप लोग क्या पहनना है, किस तरीके से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है, तो इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ऑर्गेनाइज अपनी जिंदगी को भी, अपने थॉट को भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो तो जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, बेसिकली स्मॉल और स्कैटर्ड सेक्टर होते हैं एक तरीके से, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के आउटसाइड होते हैं। मतलब कोई अगर आप लोगों के मोहल्ले में एक मार्केट है छोटी सी, उसमें कोई गोलगप्पे बेच रहा है, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना जानती है कि गोलगप्पे बेच रहा है पैसे कितने कमा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ी ना लाकर इसको यहां पर, अगर ये पता चला एक दिन 4 घंटे बेच लिए, अगले दिन इसने 10 घंटे बेचे खड़े होकर, इसको ओवर टाइम का पैसा थोड़ी ना मिलेगा, गवर्नमेंट देगी, ठीक है, या कोई कंपनी देगी, तो इसकी कमाई वहीं से होगी जहां खड़ा हुआ है, ठीक है। कोई पेड़ लीव नहीं है कि कल को ये गोलगप्पे बेचने नहीं आएगा तो इसको छुट्टी मिल गई तो एक तरीके से इसको सैलरी मिलेगी, हाँ 3 महीने की छुट्टी है, सैलरी मिलती रहेगी, टेंशन मत लेना, नहीं, इसका घर चलना बंद हो जाएगा, छुट्टियां कोई है ही नहीं है इसकी जिंदगी में, छुट्टी मारेगा तो उस दिन की कमाई नहीं होगी, ये सारी चीजें, कल को बीमार हो गए तो तभी इसको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीजें होती हैं। अगर आप लोग बीमार हो रहे हैं, हॉलीडे है, पेड लीव आप लोगों को देखने को मिलती है, ओवर टाइम करोगे तो उसका फायदा मिलेगा, तो ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के फायदे हैं। तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछ ले जाए तो डेफिनेशन तो मैं आप लोगों को अनऑर्गेनाइज की बता रहा हूं, पर रियलिटी में ऑर्गेनाइज सेक्टर भी आप लोगों का कवर कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखो कि बोला जा रहा है कि जो रूल्स होते हैं और जो रेगुलेशन होती है इनके लिए होती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे चीजें चलनी है, पर लेकिन कोई फॉलो नहीं करता उनको और कोई चेक करने वाला भी नहीं है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। जॉब जो होती है काफी लो पेड रहती है, सोचिए कोई गली में आप लोग कोई सामान बेचने वाला होता है क्या कमा पाते हैं, ऊपर से हम जैसे लोग बार्गेनिंग करने लगते हैं उसके साथ में कि यार ये नहीं इतने का करेंगे, वो करेंगे, फलां टिमकाना, अरे वैसे तो पे करके आता है, टिप भी देता है, होटल में जाते हो या फिर कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो, यहां पर इनके साथ में बार्गेनिंग मत किया करो, ठीक है, ये बेचारे जैसे तैसे अपनी जिंदगी चलाते हैं। हाँ ये भी नहीं कि पागल बनाकर जा रहे हैं आप लोगों, वो भी देख लेना है, ठीक है, पता होना चाहिए, मान लो अगर 2-4 रुपए ज्यादा दे कुछ नहीं बिगड़ रहा है, पर हाँ ये नहीं कि पागल बना रहे आप लोगों को 100 की चीज 200 में बेच रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अवेयर रहना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर चलकर डिस्ट्रिक्ट संभालना है तो चीजें होनी चाहिए, इतनी तो आप लोगों को कम से कम। अगर बात करें यहां पर, बात की जा रही है एक तरीके से किसी भी सीजन में काम करें तो बिना कोई ऐसे नोटिस के भी छोड़ के चले जाते हैं, कई बार इनको निकाल भी दिया जाता है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारे जो भी स्टेट वेंडर ये सारे और फार्मर के बारे में बात करें तो ये वाली लेबर भी आप लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज बेसिकली सेक्टर के बारे में मैंने बता दिया। तो ई श्रम स्कीम किसके लिए है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहला मिनिस्ट्री याद रखना, दूसरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो इसके लिए नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है हमारी कंट्री में, तो उसका ये पोर्टल है, उसका ये वेबसाइट है जो यहां पर मैं बात करने वाला हूं, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट है समझते हैं, जो इसको अभी रिसेंटली यहां पर लॉन्च किया गया था। तो यहां पर राइटर यहां पर कई सारी बातें बताएंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। आज की डेट में बोला जा रहा है लगभग 38 जो करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 38 करोड़ में कौन कौन आता है, कंस्ट्रक्शन आ गया, माइग्रेंट वर्कर आ गए, स्टेट वेंडर, डोमेस्टिक या अमंग दूसरे जो हो गए, ये सारे जो है इनके लिए ई कार्ड तैयार किया जाएगा। जैसे आप लोग का आधार कार्ड है ना, तो इसको ई श्रम कार्ड बोला गया है। तो ई श्रम कार्ड में क्वेश्चन बन जाएगा कितनी डिजिट होती है, तो टोटल मिलाकर 12 डिजिट का होता है। और मैं पूछूं आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है बताइए जरा, पता है आप लोगों को, अपना देखना आधार कार्ड गिनकर कितने नंबर लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा आप लोगों का। अब ये पूछ लेंगे जो ई श्रम है यहां पर, ये भाई साहब ये बताइए अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कितना फायदा यहां पर मिलने वाला है, ठीक है, उसको क्या उसके परिवार को मिलेगा बेसिकली। तो 2 लाख जो यहां पर एक तरीके से अगर कोई डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का यहां पर एक तरीके से उसको जो परिवार को चीजें मिलेगी अगर इसके अंदर रजिस्टर करा रखा है। और अगर पार्शियली डिसेबल हो जाता है, हाथ पैर टूट गया कोई, ठीक है, तो इसको यहां पर बेसिकली 1 लाख तक का यहां पर इसको जो एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, फायदा तो नहीं बोल सकते, फायदा तो प्रॉफिट होता है, ये एक सपोर्ट होगी इसकी जिंदगी को आगे लेकर चलने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, पीरियोडिक लेबर सर्वे हमारी कंट्री में कंडक्ट कराया जाता है।
यहाँ पर इसी मिनिस्ट्री के द्वारा बेसिकली तो बोला गया कि 90% जो हमारी कंट्री में आज के डेट में जो इनफॉर्मल वर्कर हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो डेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और जो डेटा आप लोगों को अभी बताया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ डेटा पुराना है, ठीक है, हल्का सा। तो आप लोग एग्जैक्ट डेटा के पीछे मत पड़िएगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं हमारी देश की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 1.3 बिलियन, ठीक है, 1.3 बिलियन, या फिर आप लोग नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि 136 करोड़, अगर मोटे मोटे तरीके से बोले, ठीक है। तो आप लोग बिलियन में बोले तो 1.3 और करोड़ में बोले तो 136 करोड़। याद रखिएगा, आप लोग बात करें अगर 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है, और अगर बात करें 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन में होते हैं 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। तो कंफ्यूज मत हुआ करना, ठीक है। अगर बात करें हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर इतने वर्कर हैं, यानी कि 465 मिलियन है, यानी कि 40 करोड़ वर्कर हैं। तो 40 करोड़ में से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग, यानी कि 419, यानी कि 419 मिलियन, यानी कि 41 करोड़ लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज के डेट में। वो कैसे हैं? वो हैं यहां पर एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 90% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में काम करते हैं। तो ये 90% लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है ये स्कीम, चाहे वो गांव वाले एरिया का हो, चाहे वो शहर वाले एरिया का हो। जो कि सबसे ज्यादा उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है किस चीज का? पेंडेमिक का, यानी कि कोरोना ने सबसे ज्यादा उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उनकी जॉब चली गई, एक तो सीजनल जॉब होती है, आज नहीं कल, इस तरीके से जिंदगी चलती है। और दूसरा यहां पर आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, रिलेशनशिप जो रहता है एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय का, वो काफी ज्यादा हैफजर्ड रहता है, यानी कि आज है कल है पता नहीं चलेगा, इस तरीके से जिंदगी चलती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और यहां पर आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में। ई श्रम पोर्टल जो है यहां पर क्यों आया, तो क्या गवर्नमेंट इतनी खुश हो गई कि चलो यार कोई पोर्टल बना देते हैं, बहुत सही चीज है? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, कोई ना कोई डंडा करता है तब जाकर ये काम करते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बेसिकली टाइट लिया और इनको बोला, फटकार लगाई कि चल क्या रहा है ये, कोविड-19 के चलते इतने सारे लोगों की जान चली गई, इतने सारे माइग्रेंट वर्कर बर्बाद हो गए, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, रोजी रोटी कैसे चल रही है, कुछ पता भी है आप लोगों को? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, तब जाकर यहां पर गवर्नमेंट जो है उसके आगे खुली और उन्होंने बोला कि हां इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर ये स्कीम लेकर आए कि पहले इंप्लीमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंप्लीमेंट तो तब करोगे जब पता होगा कौन कौन कहां पर है, पहले डेटा तो इकट्ठा कर लो कि कौन कौन कहां पर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो चार कैटेगरी में तो यहां पर चार कैटेगरी में इनके द्वारा इसको डिवाइड किया गया। पहला बोला गया यहां पर एक तरीके से ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो जैसे कि स्मॉल हो गए, मार्जिनल फार्मर हो गए, किसान, ठीक है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हो गए, जिनमें पास में खुद की जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, ठीक है, इसी के साथ में शेयर क्रॉपर हो गए, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर फिशरमैन, मतलब ये सारे आप लोगों को ओके यहां पर ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। अगर बात करें नेचुरल अगर इंप्लीमेंट के बारे में बात करें, तो एग्रीकल्चर के साथ में जो अटैच लेबर है, बॉन्डेड लेबर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर देखने को मिलेगी, ये वाले आप लोग बोल सकते हैं। वैसे यहां पर स्पेशली जो अगर डिस्ट्रेस कैटेगरी में आते हैं, जैसे यहां पर टोडी टैपर क्या होते हैं, जो बेसिकली पेड़ पर चढ़कर नारियल पानी वगैरह तोड़ना, वो सब चीजें करते हैं, ये सब चीजें, या फिर जो गटर में जाकर उसको साफ करने का काम करते हैं, ये सारे, इसलिए इसको डिस्ट्रेस कैटेगरी में बोला गया है, ठीक है, या फिर कोई बोझ होने का काम करते हैं, वो सारे काम, सामान को लोड अनलोड करना, यानी कि चढ़ाना गाड़ी में और नीचे उतारना, वो सारे, तो ये आते हैं यहां पर स्पेशल डिस्ट्रेस कैटेगरी में। चौथी कैटेगरी अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, क्या करेगा, स्टेटमेंट दे देगा एग्जाम में, बोलेगा ये कौन सी आप लोगों को अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री के द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कैटेगरी तैयार की गई है, तो तीन तो दे देगा ये वाली, और एक बोल देगा जो ऐसी दे देगा जो इसमें है ही नहीं है, तो आप लोग वो चूज करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सर्विस कैटेगरी में कौन है, सर्विस में नॉर्मली बात है, जैसे कि आज के डेट में मैं आप लोगों को एक न्यूज़पेपर का डिस्कशन पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, तो ये एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, तो ये भी एक तरीके की सर्विस हो गई यहां पर। सर्विस की कैटेगरी ये होती है बेसिकली, जैसे कि मिडवाइफ हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं तो नर्स वगैरह हो गई, डोमेस्टिक वर्कर घर पर रहते हैं, इवन अगर आप लोग बात करें मम्मी हो गई घर पे, ठीक है, काम करने वाली सारी चीजें आप लोग की हेल्प करती है, तो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो एक बात, वो अलग बात है कि आप लोग मम्मी की सर्विस को एंजॉय करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के, ठीक है, तो लेकिन वो इतनी बड़ी सर्विस होती है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता किसी भी रिम्यूनरेशन में, पैसे के चक्कर में, पैसे के उसमें स्टेज में, पर लेकिन उसकी 20 एक तरीके से उसकी जो कॉस्ट होती है वो 24 आवर होती है, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसकी कॉस्ट पे करने की, इतनी महंगी जॉब है बेसिकली वो, ठीक है। अगर बात करें फिशरमैन के बारे में, वुमेन के बारे में, बार्बर, वेजिटेबल वाले, फ्रूट वेंडर, ये सारे न्यूज़पेपर वाले, ये सारे 4 कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑक्यूपेशन हो गया, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्पेशल डिस्ट्रेस कैटेगरी हो गया, और यहां पर सर्विस कैटेगरी हो गया, तो 4 कैटेगरी में यहां पर इनके द्वारा इसको डिवाइड किया गया। तो इसके बेस पर ये डेटा इकट्ठा करेंगे और फिर उसके लिए स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये है बेसिकली यहां पर काम। एक टर्म बार बार आई यहां पर जो आप लोगों ने बार बार बात की, इसके बारे में इसको बोलते हैं गिग वर्कर। गिग वर्कर के साथ में प्लेटफॉर्म वर्कर भी कई बार लिखा जाता है। तो ये क्या होते हैं जनरली, अगर गिग वर्कर के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब होती है, यानी कि
तरीके से आज के डेट में मान लीजिए आप लोग देखिए जैसे जोमेटो वाले हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं ये एक तरीके से गिग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, प्लेटफॉर्म वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उबर हो गया, ओला हो गया, ये गिग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। एक तरीके से ऐसा काम होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चीजें चलती रहती है, उनको कोई फोर्स नहीं करने वाला है। उबर वाला है वो अपनी गाड़ी में एक इंस्ट्रूमेंट लगाए बैठा है, उसका मन करेगा उसको यहां पर किसी को बेसिकली एक तरीके से कोई मैसेज आया, उसने मन किया उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई साहब यहां से यहां तक किसी को लेकर जाना है, और नहीं मैसेज आया तो फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था, आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं फिर आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। एक बंदा था जिसके पास में एक मिनी गाड़ी थी और एक बंदा था इसके पास में एक बड़ी गाड़ी थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसने उबर पर भी और ओला पे भी दोनों पे बेसिकली अपना जो रजिस्ट्रेशन करा रखा था। अब यहां पर मैक्सिमम टाइम वो कोशिश ये करता था कि उसके ऊपर जो उसके पास में जो बेसिकली मतलब जो भी कस्टमर आए वो वाला है जो एक तरह से बड़ी गाड़ी यूज करता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा निकल जाता है, छोटे वाली गाड़ी में इतना फायदा नहीं निकलता है। तो इसके चलते वो क्या करता था, उसने मतलब जब मैं बैठा था गाड़ी में उस टाइम पर भी उसने वो एक तरीके से काम किया। तो उसने मतलब ऐसी नहीं थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हो जाती है, तो उसने बोला, मैंने कहा ऐसा क्या किया कि आप मतलब पहले भी एक रजिस्ट्रेशन किया था पता नहीं कैंसिल कर दिया, तो इसने बोला कि वो भी मेरे पास में आया था कि आपके नाम से ही। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैंसिल किया, बोला कि बड़ी गाड़ी बेसिकली जो होती है तो एक तरीके से उसको ये ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर अगर कोई छोटी गाड़ी यूज करने की कोशिश कर रहा है, जो बड़ी गाड़ी यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरीके से कोशिश ये करते हैं कि वो वाली गाड़ी लेकर जाए, क्योंकि ये बहुत सारी गाड़ियां रखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि बड़े वाली गाड़ी जाए, वहां से ज्यादा प्रॉफिट इनका निकल जाता है। तो इस तरीके से कई सारे जो छोटे छोटे जो इनके पास आते रहते हैं जो कोई जाने के लिए, तो उसको कई बार कैंसिल कर देते हैं अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने कई बार इस तरीके से देखा भी होगा, कई बार ऑर्डर कर देते हैं उनको लगता है प्रोडक्टिव नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी देखने को, कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है यहां पर, आप लोग पार्ट टाइम जॉब की तरीके से इसको लेते हैं बेसिकली, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड एक तरीके से वर्क नहीं है, एक तरीके से नॉन स्टैंडर्ड वर्क अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। ना तो इंप्लॉय को पता है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से कहां पर रह रहा है, ना इंप्लॉयर को पता है उसका कहां पर क्या एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के साथ में बस ऑनलाइन के थ्रू नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिलेशन में आ जाते हैं कई बार, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से, एक तरीके से कि हाँ पता है काम कर लिया, पैसा लिया, पैसा खत्म, वो काम खत्म, पैसा खत्म, पैसा आ जाए अपना साइड में जाओ, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पर जो कोड लाया गया सिक्योरिटी कोड 2020, पहली बार हमारी कंट्री में याद रखना गिग वर्कर को डिफाइन किया गया, अब तक गिग वर्कर नाम की कोई चीज नहीं थी, तो लेबर कोड के अंदर अब गिग वर्कर को भी इंक्लूड किया गया है। तो गिग वर्कर एक पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट करता है इन वर्क अरेंजमेंट और अर्न करता है, ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी करकर आउटसाइड ट्रेडिशनल जो इंप्लॉयर और जो इंप्लॉई का रिलेशन होता है उसके बाहर, यानी कि जो नॉर्मल आज की डेट में डिफाइन कर रखा है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ट्रिब्यूनल में जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल तो उसमें है कि वो बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में, दूसरा आर्टिकल क्या बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अलावा सारे जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो केस के अलावा बाकी सारे कौन से भी केस आएंगे तो दूसरे वाले आर्टिकल में चले जाएंगे। तो ऐसा ही यहां पर है, यानी कि जो नॉर्मल जो वर्कर है उनकी कैटेगरी हम लोगों ने डिवाइड कर रखी है, अगर उसमें कोई नहीं आएगा तो उसको गिग वर्कर की कैटेगरी में डाल देंगे, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। कंटिंजेंट वर्कर के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, फी यहां पर फ्री एजेंट हो गए, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को देखने को मिला है, टेम्प्ट, आउटसोर्स इंप्लॉयर हो गए, फ्रीलांसर हो गए, पार्ट टाइम वर्कर हो गए, तो ये हो सकते हैं। आउटसोर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आप लोग बोलता हूं ना, मान लीजिए मुझे पीपीटी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और मेरे पास में टाइम नहीं है, तो मैं बोलता यार पीपीटी बनाकर मुझे सेंड कर दिया करो, तो ये हो गया आउटसोर्स करना काम को, दूसरे को काम दे देना, तो ये आउटसोर्सिंग कैटेगरी में आता है। फ्रीलांसर क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, उनको काम बोलो यार तुमको ऐप बनाना है, यार मेरा बना दो, ठीक है, किसी और का बना दिया, किसी और की वेबसाइट तैयार कर दी, पीपीटी पता नहीं किसी इसके बना बनाकर सेंड करें, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रीलांसर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। पर यहां पर इनको ध्यान रखना होता है, एक तरीके से कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, कल को पता चला एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वही चीजें दूसरे को भी बेच रहा है सेम इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर कंटेंट के बारे में बात करें तो यहां पर उसके चलते दिक्कत हो जाती है। तो ये वाली चीजें यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसी कैटेगरी में आता है। तो एक तरीके से गिग वर्कर जो वर्ड यूज किया गया, ये अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारे इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन अगर कोई पार्ट टाइम प्रोफेसर भी है ना कोई कहीं पर, उसको भी आप लोग गिग वर्कर की कैटेगरी में बेसिकली डाल सकते हैं, क्योंकि फिक्स चीजें तो है नहीं वहां पर भी, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है यहां पर, तो इनिशिएटिव बहुत सारे हैं अगर आप लोग देखें तो, ये सारी स्कीम है एक तरीके से एक जगह इकट्ठी हैं आप लोगों की। अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कौन कौन सी स्कीम है, तो इन स्कीम को एक जगह लिख लेना, इनके बारे में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे नोट्स बना लेना, ये मैंने इसलिए एक जगह इकट्ठी डाल दी आप लोगों की, ताकि आप लोगों को इनको आगे से अगर कुछ लिखने के लिए आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एक जगह यूज कर सको आप लोग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर लेबर से रिलेटेड है, तो अगर आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सोचिए सारी स्कीम ये कवर कर लीजिए अपनी, तो ईपीएफओ के लिए आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो 11 स्कीम आप लोगों के सामने है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, लेबर कोड हो गए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना हो गई, पीएम निधि ये तो कई बार पढ़ा चुका हूं, माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर यानी कि गलियों में जो काम करते हैं एक तरीके से,
आत्मनिर्भर भारत अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन पढ़ा चुका हूं, प्रधानमंत्री कल्याण गरीब अन्न योजना पढ़ा चुका हूं, वन राशन वन कार्ड पढ़ा चुका हूं, आत्मनिर्भर बेरोजगार योजना पढ़ा चुका हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये पढ़ा चुका हूं, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा यहां पर इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर को, ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। और ये सारी चीजें मैक्सिमम आप लोग कहां पढ़ा चुका हूं, ये नैनो मैगजीन के अंदर आप लोगों की मैक्सिमम स्कीम कवर हो चुकी है, क्योंकि वहां पर कई सारी स्कीम्स आती रहती हैं तो मैं आप लोग यहां पर एक्स्ट्रा कवर करते रहता हूं। तो इस तरीके से दोनों वीडियो आप लोग देखकर चलो ताकि कोई भी चीज आप लोगों की छूटे ना, करंट अफेयर ही नहीं कवर होता है, बैकग्राउंड की बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या हो गया आप लोगों का, तो कंफ्यूजन मत करना अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है या फिर यहां पर किस तरीके से गिग वर्कर होते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन कितनी है तो आप लोगों को डेटा है बेसिकली पता ही रखना है, बाकी यहां पर और कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइड की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, तो आर्टिकल जो है कंप्लीट हो गया, चार पांच पॉइंट यहां पर एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिए, तो कोई कंफ्यूजन आप माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा इसके बारे में, क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैंने इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अलग अलग डायमेंशन से आर्टिकल हो गया, कई सारी चीजें और हो गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है AUKUS, ठीक है। तो इसमें न्यू जर्नलिस्ट में भी एक पोर्शन है, तो वो भी आप लोग यहीं पर ही कवर हो जाएगा, और क्या क्या चीजें वो भी आप लोग यहां पर ही समझ पाएंगे। तो यहां पर AUKUS जो है इसके अंदर बेसिकली बात की जा रही है, अभी कुछ कंट्री को इंक्लूड करने की बात की गई, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसके बारे में समझते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन की कैटेगरी में आते हैं, एक मिनट यहां पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ये बेसिकली इंटरनेशनल जो देखने को मिलेगा उसकी कैटेगरी में, सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं है यहां पर ये, ठीक है। तो इसको चेंज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना आप लोग इसको। अच्छा हाँ, पेपर तो सेकंड ही होगा ना आईआर के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोग देखना, ठीक है। अभी यहां पर बात कर लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी यहां पर इसमें भी कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। यूएसए के साथ में बात करें, अभी यूएसए ने यहां पर ज्वाइन किया है हाथ यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर काम करेगा और इसको AUKUS, ठीक है। ऑकस इसका नाम बेसिकली यहां पर दिया गया, ऑकस आप लोग बोल सकते हैं, ऑकस बोल सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो जब भी कभी कुछ नई चीज बनती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पहले तो क्यों बनाई गई है इसके बारे में जानेंगे, एम क्या है इसका। तो बात की जा रही है इंडो पैसिफिक जो रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वहां पर कोई हरकतें ना करे उल्टी सीधी। इनडायरेक्ट वे में नहीं, सीधे सीधा डायरेक्ट ही बोला गया, चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया इंडो और पैसिफिक रीजन। इंडियन ओशन हो गया, यहां पर पैसिफिक ओशन हो गया, तो इस वाले रीजन में यहां पर चाइना हरकतें करता है क्योंकि साउथ चाइना सी आ गया यहां पर। तो इसके चलते उसको टैकल करने के लिए यूएसए क्या करेगा, यहां पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करने वाला है ये यूएसए और यूके मिलकर। तो क्या हेल्प करने वाले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले तो तीन कंट्री है याद रखेगा, यूएसए हो गया, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूके हो गया। तो यूके और जो यूएसए वो मिलकर ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करने वाले हैं। एम क्या है यहां पर मैंने अभी बताया, फ्रीडम एंड ओपननेस की बात की जा रही है, कोई भी इंटरफेयर न करें। तो इसके चलते तो यहां पर अभी एड्रेस किया गया, यहां पर करंट जो अभी एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट है इनके द्वारा कुछ बातें बोली गई यहां पर। तो दो डायमेंशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ये एक क्या क्या फायदा पहुंचाएगा, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को मान लीजिए क्या कर रहा हूं, करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ रहा हूं, ठीक है। मैं बोलूं कि कुछ टॉपिक्स की वीडियो भी मैं आप लोगों को बना बना कर दूंगा, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली बोलते हैं। हाँ, एक चीज याद आ गई, अभी आप लोगों की जो रैंक और जो इंडेक्सेस है उसकी एक आप लोगों की वीडियो आने वाली है, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी कि ऐसा नहीं कि वो आएगी तो ये बंद हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो दे रहा हूं तो देता रहूंगा, बाकी एक्स्ट्रा भी चीजें आप लोगों को देखने को बीच बीच में मिलती रहेंगी, तो ये कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ऑलरेडी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, जैसे फाइव आईज इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव हो गया। अब फाइव आईज में कौन कौन है ये बताइए जरा आप लोग, अभी बताऊंगा आप लोगों को, तब तक आप लोग लिखिए एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आसियान हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताइए। आसियान के बारे में अगर कोई आप लोगों से कल को चल के अभी क्वेश्चन पूछ ले कि आसियान क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में जैसे अभी G20 के बारे में पूछ लिया, तो इस तरीके से आसियान के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी चीजें इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। आसियान की फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ठीक है। तो ये आसियान हो गया, तो आसियान में कंट्री कौन कौन सी और कब इसको क्रिएट किया गया था, बेसिकली इसको 1967 में क्रिएट किया गया था, और इसी के साथ में जकार्ता और इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आसियान के बारे में अगर कोई पूछ ले तो थोड़ा सा और बता देता हूं कंट्री कौन कौन सी है, क्योंकि जब G20 के बारे में पूछ ले तो आसियान के बारे में पूछने में उनको शर्म नहीं आने वाली है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बर्नुई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलिपीन हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम हो गया। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यह है इसके बारे में याद रखना। तो आसियान बता दिया मैंने, क्वाड के बारे में आप लोग जानते हैं, क्वाड में कौन कौन है, तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएसए हो गया, ये चार कंट्री क्वाड में देखने को मिलेंगे। यानी कि बोला यह गया कि जो ऑलरेडी ये ग्रुप है ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये यहां पर जो अभी यहां पर ये नया ग्रुप बनाया गया इंडो पैसिफिक रीजन में, ऑलरेडी ये ग्रुप
कर रहे हैं। फाइव आई के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो क्या है फाइव आई, तो याद रखना फाइव आई में पांच कंट्री है, एक तो हो गया यूएसए, दूसरा हो गया यूके, यहां पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसी के साथ में कनाडा और न्यूजीलैंड। तो अभी यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि जो फाइव आई है ऑलरेडी है, अब यहां पर एक और नया ग्रुप बनाया गया है कनाडा के द्वारा, ज्वाइन किया गया था अलायंस ये 1948 में, जबकि 1946 में ये ग्रुप बनाया गया था, और आगे चल के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को इसको 1956 में इनके द्वारा ज्वाइन किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऑलरेडी अगर बात करें कनाडा के बाद में ज्वाइन किया गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में और न्यूजीलैंड के बाद में, यानी कि यूएसए और यूके के द्वारा मिलकर यह अलायंस बनाया गया था स्टार्टिंग में। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और फाइव आई में कौन कौन आ रहा है ये भी आप लोग ध्यान रखना, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी, अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोग देखोगे तो फाइव आई कहां कहां पर है, तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ये हो गया यहां पर यूके, और ये हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया न्यूजीलैंड, और अभी जो यहां पर ये बनाया गया है तो इसमें क्या हो गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और यूके हो गया, और यूएसए हो गया, ये इन तीन ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करने के लिए ग्रुप बेसिकली बनाए जा रहे हैं, ताकि चाइना को टैकल किया जा सके, पर्टिकुलर ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो पहली तो बात यहां पर ये होगी कि हां इनके द्वारा क्या बोला गया कि ऑलरेडी ग्रुप है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी, अभी सेकंड करेगा यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यहां पर ट्रांसफर की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को विद इन 18 मंथ। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर एक और बताऊंगा अभी आप लोगों को जानने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहां, जैसे अरिहंत हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आईएनएस चक्रा हो गया, ठीक है, फ्यूचर अटैक सबमरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिनके बारे में बात कर रहा हूं, SA-5 आप लोगों को फ्यूचर मिसाइल सबमरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन ध्यान रखना न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर बम रखे हो इनके ऊपर, नहीं, इनमें न्यूक्लियर एज ए यूरेनियम हो गया, जैसे ऐसे एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा। क्या फायदा इसका आप लोग समझिए, मान लीजिए कोई पनडुब्बी है, सबमरीन क्या होती है पनडुब्बी, पानी के अंदर डूबकर चल रही है, अब पानी के अंदर डूबकर चल रही है उसको दो तरीके से ईंधन मिल सकता है, एक तो उसके अंदर डीजल होगा, ठीक है, या फिर पेट्रोल, जिससे भी उसको चलाना है, पता चला अगर वो खत्म हो गया तो ऊपर भरने आना पड़ेगा उसको, ठीक है, सोलर पैनल से चलाया जाए तो वो एक तरीके से टिक नहीं पाएंगे चीजें लंबे समय तक। अब बात करें न्यूक्लियर क्या होता है, एक तरीके से ईंधन होता है, ये बेसिकली जो यूरेनियम होता है, तो अगर वो उसमें डाल दिया तो जैसे आप लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं बिजली बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया इंडायरेक्ट वे में ऐसा बोल सकते हैं, तो उससे उसको एनर्जी मिलती रहेगी, तो वो पानी के अंदर डूब डूब कर भी लंबे समय तक रह सकती है, अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उस पर अटैक कर सकती है, तो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करने का काम करती है। कोस्टल एरिया में कितने राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं, कौन कौन से इनको आप लोग एक बार लिखकर देख लेना कमेंट बॉक्स में, याद रह जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को आंसर डायरेक्ट ना मिले एग्जाम में, पर लेकिन सोल्व करने में हेल्प कर देंगे, ठीक है। आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ कोस्टल रीजन में ये चीजें कनेक्ट करने की बात की जा रही है, वहां पर एक नॉन कोस्टल राज्य का नाम दे दिया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे उस टाइम पर, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी देखते रहो, वैसे मैं भी बताता रहता हूं बार बार, तो टेंशन मत लेना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी एनपीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर प्रोफिसिएशन जो यहां पर बेसिकली जो ट्रिनिटी यहां पर बनाई गई थी, ठीक है, एक तरीके से क्या होता है यहां पर, इसमें अगर चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आप से पूछते हैं, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, तो एनपीटी इसको बोला जाता है। तो एनपीटी जो थी यहां पर याद रखना ये 1968 में यहां पर ये बनाई गई थी, जिसके चलते यहां पर बेसिकली फंडा ये है कि किसी के पास में भी अगर यहां पर इसके अंदर कोई भी अगर मेंबर आएगा तो इसका मतलब ये है वो मेंबर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, वो जो भी उसको दिया जाएगा यूरेनियम वगैरह वो उसको अच्छे काम के लिए यूज करेगा, तो इसके लिए यहां पर ये एनपीटी निकल कर आई यहां पर एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर अभी बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएंगी जिसके चलते यहां पर वो काम कर सके। तो ये राइटर ये बोल रहे हैं कि जो बाइडन साहब जो हैं, वैसे तो सब बोलते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना, ये सब बनाना है, पर लेकिन अभी न्यूक्लियर आर्म सबमरीन दी जा रही है तो ये किस हद तक सही है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यहां पर ट्रांसफर की जा रही है यहां पर, तो इसके बारे में इनके द्वारा कुछ बोला ही नहीं है अपनी स्पीच में, इसको ये एक तरीके से खागे बीच में स्पीच में बोला ही नहीं कुछ। और इंटरेस्टिंग चीज तो यहां पर ये है, इवन ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए ग्रुप बनाया गया उसके जो लीडर थे, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसका नाम तक भूल गए जो बाइडन साहब जब स्पीच दे रहे थे यहां पर, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया सारी मीडिया के द्वारा कि इस तरीके से नाम भूल जाना, वो भी जिसके लिए ग्रुप बना रहा है उसी का नाम भूल गए, ठीक है, पता चला किस दिन मोदी जी का नाम भूल गए बातों बातों में, ठीक है, मोदी जी उसी दिन जो बाइडन के पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ेंगे कि बिल्कुल ही हद कर दी तुमने। अगर आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया यहां पर सेकंड ऐसी कंट्री होगा यूके के बाद में जिसके पास में यूएसए जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है इस तरीके से, वरना आज तक यूके के अलावा किसी को यूएसए ने ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है, तो चाइना से इतना चिढ़ चुका है कि अपनी टेक्नोलॉजी भी यहां पर ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए तैयार है। तो इंपॉर्टेंट बातें कुछ और यहां पर जानने को मिलेंगी आप लोगों को, ऑलरेडी फ्रांस के साथ में इनके द्वारा डील साइन की गई थी कि हमको सबमरीन वगैरह ये सारी चीजें देना, पर लेकिन फ्रांस ने ये बोला था कि लगभग 2030-32 में आगे जाकर इनको डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे, तो ये बोल रहा है कि यार तब तक तो काफी कुछ चेंज हो जाएगा, चाइना वैसे ही सर पर नाच रहे हैं, तो इसके साथ में कैंसिल कर दी गई थी डील। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, ये 90 बिलियन की डील थी। अब 90 बिलियन अगर आप लोगों को समझना है
हमारी कंट्री का टोटल जो बजट है डिफेंस का वो लगभग 72 बिलियन है, ठीक है। चाइना का कितना है यहाँ पर डिफेंस बजट, ये है 252 बिलियन, लगभग हमारा चार गुना। अब यहाँ पर बात करें यूएसए का कितना है, तो चाइना का भी लगभग आप लोग बोल सकते हैं चार गुना, ठीक है। तो इनका है 778 बिलियन डॉलर में बात की जा रही है यहाँ पर, इसे 70 से और मल्टीप्लाई कर लेना तो पैसों में आ जाएगा कि कितने रुपए ये हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो डील थी फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया की, बहुत ही बड़ी डील थी। अब यहाँ पर ये इसकी डील जो है कैंसिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से यहाँ से खरीदेंगे, तो इसके रिलेशन तो हालांकि इसकी वजह से थोड़े खट्टे हुए हैं, पर लेकिन इंडिया के लिए फायदेमंद चीजें हो जा रही है क्योंकि क्वाड का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया और इसके पास में ताकत आई, तो यहाँ पर अभी चाइना को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा यहाँ पर अगर आगे बात चलते हैं आप लोग, जैसे कि फ्रांस हो गया, ठीक है, तो फ्रांस से हम लोग काफी रफेल वगैरह और काफी और सारी काफी सारी चीजें आप लोग खरीद रहे हैं, देखा आप लोगों ने। तो अभी फ्रांस जो है वो इंडिया के ऊपर और डिपेंडेंट होगा, तो फ्रांस के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, यानी कि इनकी डील ब्रेक होना होने के लिए दो दोस्त आपस में लड़ पड़े अगर, तो दुश्मन फायदा उठा लेते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम वैसे तो दुश्मन नहीं है, पर लेकिन हम दोस्ती हैं। पर हां यह है कि दो दोस्त अगर आपस में लड़ने लगे तो किसी तीसरे दोस्त के साथ में जाकर इंसान जो है अपने, उन्हें क्या कहते हैं कि नॉर्मली गांव में बोलते हैं कि अपने, वो नहीं मतलब शब्द थोड़ा सा ऐसा यूज किया जाता है कि मतलब ऐसे ऐसे अपनी बातें रोने लगते हैं, वर्ड थोड़ा सा वैसा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो वो वाली बातें देखने को मिलती है, यानी कि अपनी जो दिक्कतें हैं उसको बजा के सुनाने लगते हैं, तो वो सारी चीजें, तो दोस्ती तो काम आता है फिर उस टाइम पर। तो अभी इंडिया काम आएगा यहाँ पर और इंडिया को भी फायदा है इससे, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो न्यूजीलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ये बोलता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्री बनाने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया को 1984 से, तो वो इसलिए इसका पार्ट नहीं है। वरना न्यूजीलैंड क्या है, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हर टाइम उन्हें छोटे जैसे मम्मी के साथ में बच्चे चिपके रहते हैं कि जहाँ जहाँ मम्मी जा रही है बच्चे जा रहे हैं, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में चिपका रहता है। पर लेकिन सरप्राइजिंग है कि न्यूजीलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ठीक है। आगे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है यहाँ पर, ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आगे चलकर आप लोग इसको एक तरीके से कुछ और उल्टी सीधी हरकतों के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या भी जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, तो ये अलाउ नहीं की जाएगी फॉर्मर टेरिटोरियल वाटर के, यानी कि एक तरीके से चीजों को नॉर्मल रखने की भी कोशिश की जाती है। इन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, पर लेकिन यहाँ पर तोड़ दिया, ठीक है। तो आगे चलकर चीजें और पैटर्न में नजर आएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो ये पार्टनरशिप भी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और बढ़ेंगे यहाँ पर, वॉर गेम एक तरीके से एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ये यूज करेंगे, कैसे टैकल करना है कल कोई दिक्कत होती है, और भी यहाँ पर चेसी चाइना को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं बोला गया चाइना को टैकल करेंगे, पर लेकिन डायरेक्ट भी थोड़ा सा स्टेटमेंट में बोल दिया गया कि ये मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है एशिया के अंदर में। एशिया के अंदर किसको हरकत है, चाइना के अलावा कोई हरकत ही नहीं कर रहा है, तो चाइना को ये इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट में नाम नहीं बोला, पर इनडायरेक्ट वे में स्टेटमेंट में चीजें बोल दी गई हैं। तो AU KUS के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो चाइना का जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी के लिए, टेरिटोरियल एंबिशन के लिए, कभी हमारी कंट्री में बात देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आकर घुस जाते हैं, कभी ऑलरेडी ये डोकलाम वाले सेक्टर में जाकर घुस जाएगा भूटान के अंदर में, ठीक है। इसी तरीके से कभी आकर अरुणाचल प्रदेश में जाकर हरकतें करते हैं। अगर साउथ चाइना सी में बात करें तो हाँ वियतनाम का जीना हराम कर रखा है, तो हरकतें करते रहते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए इसके द्वारा ये बेसिकली स्टेप उठाया गया है। तो कोऑपरेशन अगर यहां पर मिल जाए, ये यहां पर यही चीजें अगर ये इंडिया जापान और साउथ कोरिया को भी प्रोवाइड करा दे यूएस से, तो बोला ये जा रहा है राइटर के द्वारा, तो और अच्छी चीजें हो जाएंगी यहाँ पर, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, अगर कोई पूछ ले यहाँ पर 5I के बारे में क्वेश्चन बन जाए, क्वाड के बारे में क्वेश्चन बन जाए, आसियान के बारे में क्वेश्चन बन जाए, तो तीन ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आप लोगों की कवर करा दी इसके अंदर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल में चीजें नहीं लिखी होती हैं, ये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार इनसे। तो बेसिक चीजें थी, मैंने आप लोगों को ये भी कवर करा दी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये, अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग के माइंड में जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतने ही लंबे समय से आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। आगे जो आर्टिकल है जिसके बारे में मैंने डेटा पॉइंट के बारे में बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में क्या किया गया, अगर आप लोग टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के जो आप लोगों को आज के में मोबाइल में नेटवर्क है ना, उसका आप लोग फोन यूज कर रहे हैं, उसके बेस पर आप लोग चीजें यूज करते हैं, तो यहां पर सबसे बड़ा सेक्शन है आज के डेट में जियो का। जियो के पास जियो के नेटवर्क सबके देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर एयरटेल है, तीसरे नंबर पर वोडाफोन, चौथे नंबर पर बीएसएनएल और एमटीएनएल है, यानी कि ये बच गए हैं आज के डेट में। बाकी एयरसेल, टाटा, आइडिया, ये सारे इनकी कहानी जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है जब से जियो ने मार्केट में एंट्री मारी। तो जियो आया यहाँ पर 4G के पास में, तो सबसे बड़ा 4G नेटवर्क जियो के पास में है। एयरटेल सबसे बड़ा 3G नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब 5G में दोनों कैसे एंट्री करने वाले हैं वो देखने वाली बात है, पर लेकिन 5G में एंट्री तब करेंगे अगर खस्ता हालत ना हो, चीजें थोड़ी नॉर्मल रहे, तो उसी के लिए टेलीकॉम सेक्टर ने थोड़ी सी रियायत दी है। और रियायत किसमें दी है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पर, जिसको आप लोगों को बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, एक टर्म यूज की जाएगी बार बार यहाँ पर, इसको आप लोग सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन इसमें बन सकता है आप लोगों के लिए, और आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पर देखिए, आप लोगों से कई सारे टेक्निकल वर्ड भी यूज कर जाते हैं कई बार, तो अगर ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोग इनको लंबे समय तक भी याद रख पाओगे। इसी के साथ में कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में इनको लेकर, तो वो भी आप लोग यहां पर आंसर दे पाओगे। तो समझने की कोशिश करते हैं, अभी रिसेंटली यहां पर AGR कैलकुलेशन में चेंज किया गया, जिसको बताना है आप लोगों को।
तो सबसे पहले तो एजीआर की फुल फॉर्म ही आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि पहले यहां पर ऐसा था कि एक तरीके से मान लीजिए गवर्नमेंट से इन्होंने कोई लाइसेंस खरीदा अपना अपना पर्टिकुलर सिस्टम चलाने के लिए, जियो ने कोई लाइसेंस खरीदा, ठीक है। तो जियो ने जैसे कोई लाइसेंस खरीदा तो चक्कर क्या रहता था, जियो जैसे ही लाइसेंस खरीदा जियो ने तो जियो पैसे पे कर देगा, ठीक है भैया हम तुमको 1,00,000 करोड़ रुपए दे देते हैं और तुम इंजॉय करो। तो गवर्नमेंट के पास में एक टाइम पैसा आ गया और ये गवर्नमेंट ने इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, जियो ने अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई, जियो ने अपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, वन टाइम पेमेंट हो गया। पर लेकिन अगर गवर्नमेंट ये बोलने लगे नहीं ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं मजा आया मुझे सुन के, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसा करते हैं हम तुमसे एक बार पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, हम तुमसे क्या करते हैं तुम जो भी पैसा कमाओगे तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग में हम लोगों का हिस्सा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट चलाक थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया उसके प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मांग लिया। तो ये चीजें फिर यहां पर स्टार्ट होगी और उसको फॉलो करके चला जा रहा है। पर लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा मांगने के साथ में एजीआर में उन्होंने वो वाली चीजें भी इंक्लूड कर दी, जैसे कि मान लीजिए कल को कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए उनके नाम कोई जमीन है तो उससे खरीदी गई कोई जमीन होगी, ठीक है, उस पर प्रॉफिट से, ठीक है, इसी के साथ में कोई और अलग इनकम चल रही है उनके, ऐसे नहीं जैसे किसान हो गए, मान लीजिए किसान जो एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं साइड में उसने क्या किया मुर्गी फार्म भी खोल लिया, ठीक है, इसी के साथ में दूध बेचने का भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि मुर्गी फार्म और दूध बेचने में से भी तुम्हारा एजीआर इंक्लूड करना है, इसमें से भी हमको फायदा पहुंचाना, तो ये बोलने लगे। तो टेलीकॉम कंपनी बोली यार ये देखो ये गलत बात है, ठीक है, जो हमारा पैसा आता है जो हम लोग टैरिफ बेचते हैं, हम लोग जो आज के में कोई डेटा पैक बेच रहे हैं कोई इंटरनेट से रिलेटेड कोई इस तरह की सर्विस बेच रहे हैं उसमें आप लोग अपना फायदा लो, ये क्या तरीका है कि आप जमीन बेच रहे हैं कहीं पर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसमें भी फायदा ले रहे हो। तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, तो कोर्ट में मैटर पहुंच गया। जब कोर्ट में मैटर पहुंचा तो कोर्ट ने इसका सॉल्यूशन दिया और कोर्ट में यहां पर सारी टेलीकॉम कंपनी हार गई। तो जब टेलीकॉम कंपनी हारी तो काफी पीछे चीजें पहुंच गई, ठीक है, तो पुराना जो इनका चिट्ठा था वो सारा इनके ऊपर चिप गया यहां पर आकर। तो यानी कहने का मतलब ये कि ये यहां पर पुरानी चीजें जो थी, तो यहां पर गवर्नमेंट ने यहां पर अभी जो केस आया है इसमें गेट का केस का जब डिसीजन आया अभी रिसेंटली, तो इसमें जो पुरानी कंपनी थी उनके ऊपर तो दंड लग गया है क्योंकि अभी जियो तो नया नया आया था तो जियो के ऊपर तो कुछ ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा इसका, पर लेकिन पुरानी कंपनी की कमर टूट गई और पुरानी कंपनी को बोला गया इनको 1.6 लाख करोड़ तक का इनको पे करना है, ठीक है। तो ये बातें बोली गई इनको, तो सेंटर ने अभी ये बोला कि जो 1.6 लाख करोड़ तुमको ये पे करना था तो उसके लिए तुमको थोड़ा रिलीफ दे देते हैं, 4 साल का मोरिटोरियम है, 4 साल की छूट दे दी है तुमको कि 4 साल तक पे नहीं करना है, एंजॉय करो। और वो किस लिए दी गए, 5G के फील्ड में आकर ये चीजों को इंप्लीमेंट कर सके और चीजें आगे बढ़ सके। तो एडजस्टेड ग्रोथ जो रिवेन्यू यहां पर, ये फ्री शेयरिंग मैकेनिज्म है एक तरीके से गवर्नमेंट के बीच में, जो 1999 में यहां पर थी उसको चेंज कर इनको पहले फिक्स्ड हुआ करता था यहां पर, ये लाइसेंस फी की लाइसेंस ले लिया फिक्स पैसा दे दिया, पर गवर्नमेंट ने बोला नहीं फिक्स्ड लाइसेंस नहीं करना है, रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल करना है, प्रॉफिट में हम भी आप लोग पार्टिसिपेट होंगे, तो वहां से चीजें यहां पर चेंज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वहां से फिर ये चीजें अब यहां पर जब से लगी तो यहां पर गवर्नमेंट की और यहां पर जो टेलीकॉम कंपनी के बीच में झड़प हुई, तो वो बोले थे कि हम तो बस आप लोगों को इंटरनेट और वो सबसे पैसा आ रहा है वही देंगे, इन्होंने बोला नहीं सब जगह से देना है, तो इसलिए कोर्ट में पहुंचे। तो अब पुराने टाइम से जो बचा हुआ था वो सारा पे करना है और वो सारा पे करने की जब बात आती है तो ये 1,00,000 करोड़ से शायद यहां पर लगभग ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी 4 साल का मोरिटोरियम, 4 साल की छूट दी गई है, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये, अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर FDI वो 49% हुआ करता था, इस सेक्टर में उसको 100% कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रीपेड है और पोस्टपेड में चेंज हो जाता है KYC नो योर कस्टमर वाला फंडा खत्म कर दिया है। स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन यहां पर नॉर्मली लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलता है एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो ये देखने को मिलेगा। फ्यूचर मेजर जो है यहां पर ये बेसिकली 5G में कैसे चीजें ऐड की जाएं, तो टेलीकॉम मिनिस्टर जो अश्वनी कुमार है उनके द्वारा बोला गया ताकि इस इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके हमारे देश में और चीजें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, तो इसके ऊपर इनका फोकस दिया गया है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और क्या इंपॉर्टेंट फायदा है, इन्होंने बोला कि यार हमको ना ड्यूपोली नहीं चाहिए, यानी कि जैसे मोनोपोली होते हैं ना उसमें एक मेंबर होता है ओनली, कि कल को चला पता चला यहां पर बस जियो रह गया, अब ये बोले ड्यूपोली नहीं चाहिए, पता चला बस भारतीय एयरटेल और जियो रह गया, इनके दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की बात की जाए तो FDI ये लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे 100%, उसमें और भी प्लेयर आएंगे, तो और प्लेयर आएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट आएगा, 5G टेक्नोलॉजी अच्छे लेवल पर होगी यहां पर और ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट होगी, तो इसलिए 100% FDI इनके द्वारा कर दी गई है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो ये थे आप लोगों के एडिटोरियल, अब जो न्यूज डिस्कस करने वाला हूं ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे और एक एक कर हम लोग नजर डालेंगे उसके ऊपर, अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर बता देना उसको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात की जा रही है अभी चीमा करके यहां पर एक तरीके से जस्टिस थे जिनका नाम है AIS चीमा, ठीक है। तो AIS चीमा जो है ये हेड करेंगे NCLAT को, तो इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन बन सकता है
ये है क्या, इसको बोलते हैं बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ अपलेट ट्रिब्यूनल। तो पहले तो आप लोग कंफ्यूजन में नाम मत आइए, दो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, एक को बोलते हैं एनसीएलटी, एक को बोलते हैं एनसीएलएटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एनसीएलटी जो है ये आप लोग हाईकोर्ट मान लीजिए, ठीक है, एनसीएलटी इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ये आप लोगों के सामने इसको बोल सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, नेशनल कंपनी लॉ अपलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि अपलेट का मतलब क्या होता है, अपील करने वाला, यानी कि यहां से जो अपील जाएगी तो इसकी अपील को सुनने वाला हो गया बेसिकली। तो अपलेट आप लोगों ने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट की, अपलेट बेसिकली एक तरह से पावर होती है जिसमें नीचे से कोई अपील कर रहा है उसके ऊपर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो यहां से कोई मैटर गया यहां पर तो ये सुनेगा इसको, यानी कि पहले यहां से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो यहां पर पहुंच सकता है। तो यहां पर बोला गया कि प्राइमरी जो जुडिशियल है यहां पर ये देखेगा, अगर कोई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का कोई केस आ रहा है, कंपनी का कोई फेलियर का कोई केस आ रहा है, तो यहां से फिर यहां पर केस पहुंचेगा उसको आगे, यानी कि नेक्स्ट लेवल जो होगा वो यहां पर आगे वाला होगा। तो ये बात की जा रही है। तो अगर दोनों में अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है क्या क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के बीच में आप लोगों को बेसिकली जो नाम यहां पर दे रखे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। बाकी यहां पर जो एक तरीके से एक्सेप्ट करेगा, एनालाइज करेगा एविडेंस को, और फिर ये क्या करेगा यहां पर केस पहुंचेगा, तो ये जो जो इसने प्रोवाइड कराई है उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, कलेक्ट करेगा फैक्ट वगैरह ग्राउंड लेवल पर, और ये इसके फैक्ट इकट्ठे हुए एनालाइज करेगा। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए और इसको हाईकोर्ट मान लीजिए, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं नेक्स्ट, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने बोला ना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करा दूंगा आप लोगों का, तो इसलिए बोल रहा हूं यहां पर, तो ध्यान से सुनना। अगर बात करें ट्रिब्यूनल, जो शब्द यूज किया गया यहां पर, हमारे संविधान में ओरिजिनली अवेलेबल नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया। आर्टिकल 323A के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है। आर्टिकल 323B के अंदर आते हैं यहां पर बेसिकली अदर ट्रिब्यूनल, ये सारे ट्रिब्यूनल जो अदर में आ गए यहां पर, तो टैक्स रिलेटेड फॉरन, ये इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लैंड रिफॉर्म, सेलिंग, अर्बन प्रॉपर्टी, ये सारे ये जो भी हैं, ये सारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी सेकंड वाले आर्टिकल के अंदर में। तो ये दो इंपोर्टेंट मुद्दे याद रख लेना, 42nd क्वेश्चन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब जो ट्रिब्यूनल बनाया गया यहां पर ये वाला जिसके बारे में बात कर रहा हूं एनसीएलएटी, तो हमारी कंट्री में बेसिकली 2013 में जो बेसिकली कंपनी लॉ है उसके तहत यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया सेक्शन 410 के तहत। याद मत करना कोई कंफ्यूज ऐसी फालतू की चीज है, ठीक है, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया पता चल गया ना, तो छोटी छोटी ऐसी बातें नहीं पूछेंगे, पर हाँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ट्रिब्यूनल के बारे में। तो चीमा याद रखिएगा यहां पर CHEMA, तो ये भाई साहब जो है अभी यहां पर इसके हेड बन गए हैं, अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद में इनको यहां पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जो कि काफी लंबे समय से पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये होगी एक जो बेसिकली न्यूज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज आ रही है यहां पर बैड बैंक के बारे में, बैड बैंक मतलब बैड बॉय, यानी कि गंदा बैंक, गंदा बैंक मतलब गंदी हरकतें करता है कि नहीं, ये गंदी हरकतों को साफ करने का काम करता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बोले ना घर पे कि मम्मी कूड़ा उठाकर लेकर आओ, कूड़े वाला आया है, तो ये कूड़े वाला नहीं है, ये कूड़े वाले हमें, हम लोगों ने कूड़ा क्रिएट किया गया, वो कूड़े को साफ करने वाला है। तो ये बैड बैंक क्या है, ये कूड़े वाला नहीं है, ये कूड़े को साफ करने वाला है, और वो कूड़ा क्या है, वो है एनपीए। एनपीए क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये क्या होता है, अब इसको समझिए, बेसिकली एनपीए क्या होता है, मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, तो एक बैंक ने यहां पर किसी को पैसे दिए, ये भाई साहब पैसे तो पैसे लेकर चले गए, तो इन्होंने अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया, पता चला क्राइसिस आ गया, इनका बिजनेस बर्बाद हो गया, तो जो लोन लिया था, लोन तो देने की दूसरी बात है, ये इंटरेस्ट भी पे करना इनके बस की बात नहीं रही, इतनी ज्यादा बुरी खबर हो, इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई इनकी। अब बैंक के पास में, बैंक तो अलादीन का चिराग तो है नहीं बैंक के पास में, बैंक क्या करता है, हम लोगों से पैसा लेता है, वो अपने पास में रखता है, और फिर वो पैसा जो होता है वो बिजनेसमैन को देता है, ताकि वो उसको इन्वेस्टमेंट कर सके, और फिर इंटरेस्ट पे कर सके, और फिर यहां पर इसका इंटरेस्ट पे कर सके जो कस्टमर का, और अपना बीच में कुछ कमीशन खा सके। तो बैंक बिचौलिया होता है, नॉर्मल शब्द अगर यूज कर जाए थोड़ा सा टाइट शब्द होता है, दलाल नहीं बोलते आप लोग, जो रूम वगैरह दिलाते हैं दलाल बोलते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, तो एक तरह से बैंक दलाल हो गया, आप लोगों का पैसा जो है वो किसी और को दे रहा है, वहां से पैसा कमाकर आपको दे रहा है, बीच में एक कमीशन खा रहा है, तो ये इस तरीके से दलाल की कैटेगरी आ गई। तो एनपीए क्या होता है, एनपीए अगर यहां पर दलाल जो है, अगर यहां पर ब्रोकर जो है, अगर ब्रोकर के पास में जो पैसा नहीं आएगा तो वो कस्टमर का कैसे देगा, तो कस्टमर तो पिटाई करना स्टार्ट कर देगा, तो बैंकिंग सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, तो इकोनॉमी की हालत खस्ता हो जाएगी, तो एनपीए को सुधारने की कोशिश की जाती है। तो एनपीए को जो निकालेगा यहां से, जो बर्बाद हो रहा है, वो बेसिकली काम करेगा कौन, ये करेगा बैड बैंक जिसको बोला गया। तो बैड बैंक क्या करेगा, एक रेमेडी है एनपीए की इलनेस को खत्म करने की, ये याद रखना बेसिकली, ठीक है, यानी कि बैंक का पैसा बैड बैंक से निकालेगा यहां पर एनपीए, ये बेसिकली बैड बैंक निकालेगा एनपीए से, जिसके चलते यहां पर बैंक की खस्ता हालत है वो थोड़ी सुधर जाए, सारा तो नहीं निकल पाता है, कुछ परसेंट यहां पर ये भी लेगा, मजे तो ये भी लेगा, छोड़ना की सारी चीज दे देगा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए बैड बैंक के बारे में, तो कंफ्यूज मत होना। अभी हरियाणा पीसीएस का पेपर देखा था ना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, वहां पर डेट के बारे में क्वेश्चन बन गया। तो बैड बैंक के बारे में बोलते हैं कि गंदा बैंक है यहां पर, ठीक है, तो गंदा बैंक नहीं है, अच्छा बैंक है, गंदे काम कर रहा है बेसिकली, जो लोगों के द्वारा रायता फैलाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, 15 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, बेसिकली पाइपलाइन में है, दिल्ली को डीकंजेस्ट करने की बात की जा रही है, दिल्ली रोड के बारे में ये बेसिकली बातें हैं। तो समझ लेते हैं इसके बारे में यहां पर क्या क्या बातें हैं। अभी आसपास वाले रीजन में अगर आप लोग देखिएगा, तो यहां से देखिए बेसिकली जो रीजन है,
राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर हरियाणा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है ये कोशिश की जाएगी यहाँ पर कि इसको इस तरीके से लेकर चला जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बोला गया है, ताकि देखिए डिस्टेंस को कम किया जा सके। जस्ट 12 घंटे में अगर कोई इंसान जो है वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रहा है तो सोचिए यहाँ पर आराम से मुंबई पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आसानी से अगर राजस्थान में जाना है तो और कम टाइम लगेगा, गुजरात में जाना है यहाँ पर देखिए और कम टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आप लोग अहमदाबाद जाना है, ठीक है, तो और कम टाइम लगेगा, और आसानी से आप लोग अहमदाबाद पहुंच जाओगे। अगर यहाँ पर मुंबई जाना है तो आप लोगों को ये टाइम लग रहा है 12 घंटे, तो ये फास्ट हो जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो दिल्ली में अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको दिल्ली में रहना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर वो कल को यहाँ से हटकर आसपास वाले रीजन में भी जाना चाहते हैं तो आसानी से जा पाएगा। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे किसी को जाना है और वहां पर फ्लाइट नहीं मिल पा रही है तो आराम से मुंबई में जा सकते हैं और मुंबई से ट्रेवल करके आसानी से दिल्ली आ सकते हैं, तो इस तरीके से भी दिक्कत नहीं उसकी देखने को मिलेगी। तो डीकंजेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर बर्डन को कम किया जा रहा है, और जितना ढांचागत विकास किया जाएगा उतना ही ज्यादा डीकंजेस्ट होंगी चीजें। आसपास वाले रीजन में मान कोई रहने वाला है, ठीक है, एनसीआर वाले रीजन में, दिल्ली में आकर पड़ा हुआ है, क्योंकि आने जाने का ढंग का साधन नहीं है, पर लेकिन अगर ये सारी चीज सुधर जाएंगी तो सोचिए आप लोग, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, कोटा हो गया, उज्जैन हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सारे अगर बात करें, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, तो यहां तक चीजें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अभी उत्तर प्रदेश में एनसीआर वाले रीजन में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है यहां पर, तो एक अच्छी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना इसके बारे में। आगे बात करते हैं यहां पर, देखिए अभी क्या है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में कई सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती हैं, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में बेसिकली बात की जा रही है कि कैसे सॉल्यूशन यहां पर चीजों का निकालना है। तो पासपोर्ट के लिए थोड़े से रूल जो है वो टाइट कर दिए गए हैं। रीजन क्या है रूल को टाइट करने का, रीजन इसका सीधा सीधा यहीं पर यह है कि कल को चलकर चीजें जो है यहां पर ऐसा ना हो कि पता चला कोई भी आकर किसी तरीके से घुस रहा है तो थोड़ा चेक किया जाएगा उसको यहां पर कि किसी को यहां पर ये पासपोर्ट दे रहे हैं और क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, ये बातें हैं। अपॉइंटमेंट जो किया गया यहां पर अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर में, ठीक है, तो ये आईपीएस अस्थाना का तो बोला गया ये सही है, ठीक है, जबकि यहां पर इसको ये बोला गया था ये सही नहीं है क्योंकि दिल्ली कैडर का कोई बंदा ही यहां पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर में, तो यहां पर ये गुजरात कैडर के हैं तो बोला गया था ये सही नहीं था, तो यहां पर सेंटर ने हाईकोर्ट को बोला है, ठीक है, पहले सीबीआई में थे तो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर काफी सारी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अरे हाँ, दिल्ली जो यहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके साथ में सीबीआई का कनेक्शन भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सीबीआई के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए तो आप लोग याद रखना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, 1942 में इसको बनाया गया था, ठीक है, एस्टेब्लिश किससे किया गया था, तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, तो यहां पर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इसको बनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में एक कमेटी का आप लोगों को नाम हमेशा याद रखना है जो कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी जिसके बाद में यहां पर ये बनाया गया था। चलिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया, आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बताइए उस कमेटी को, याद रखना आप लोगों को, बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये जब बनाया गया था यहां पर तो डीपी कोहली जो थे वो इसके फाउंडिंग एक तरीके से सीबीआई डायरेक्टर है जिनका नाम कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। तो यहां पर कई सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रेजेंट टाइम पर अगर कोई पूछे सीबीआई का डायरेक्टर कौन है आप लोगों से, ठीक है, तो सुबोध कुमार जायसवाल जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, तो वो याद रखेगा, ठीक है। प्रवीण सिन्हा जो थे वो इंट्रीम बनाए गए थे फरवरी में तक रहे थे, उनकी कहानी खत्म हो गई, फिर सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये परमानेंट डायरेक्टर यहां पर बनाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा भी जा चुका है, अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन होता है जो यहां पर अपॉइंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि कल को चलकर अगर प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से भी ना अपॉइंटमेंट किया जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मिलकर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि 3 मेंबर की कमेटी में जहां पर होगा बात है कि हाँ वो इसको अपॉइंट करते हैं, तो वही है, ठीक है। सीबीआई का जो डायरेक्टर है यहां पर अगर किसी को अपॉइंट करना है तो टेन्योर जो होगा नॉट लेस देन 2 ईयर, तो ये बात की जाती है, इसके चलते यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है और काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहां पर ये, खासकर लोकपाल के अंदर भी, ठीक है, सीवीसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहां पर बेसिकली सीबीआई के बारे में आप लोगों को बताई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन अगर बन जाता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, चार धाम की जो यात्रा है वो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा अलाउ कर दी गई है, पर लेकिन लिमिटेड नंबर में जा सकते हैं लोग यहां पर, तो कभी भी रस में मत जाइएगा कहीं पर इस तरीके से चीजें स्टार्ट हो गई तो दौड़ पड़े, अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी बीमारी जो है वो खत्म नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, अभी कावर यात्रा को बेसिकली यहां पर बंद किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर में, इससे पहले और भी कई सारे ऐसे बैन लगाए गए, केरला के अंदर ही बोला गया था कोविड-19 के केस उसी की वजह से बढ़े हैं, जब ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बात की गई, तो आर्टिकल जब आप लोग जाएंगे 19 के अंदर में, ठीक है, और आर्टिकल 21 के अंदर में, तो यहां पर ये बोलते हैं कि ये राइट टू फ्रीडम है, अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं,
वो सब बातें की जाती हैं। तो बोला जा रहा था कि फ्रीडम के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो देखिए आर्टिकल अगर 19 को कोई बोले कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आप लोगों को लेकर आना है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग देखिए तो ये बोला जाता है कि राइट टू लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में याद रखिए। अगर कोई बोले आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को मिले आर्टिकल रिलीजन के बारे में अगर कोई बात करे कि राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों से कोई बोले कि राइट टू लाइफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ के ऊपर हम लोगों को फोकस देना है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, हाई कोर्ट ने क्या बोला, जब इसके बारे में ऐसी बातें निकल कर आई, इन्होंने बोला भाई साहब राइट टू लाइफ जो है वो सबसे ऊपर है, रिलीजन जो है वो आप लोग अपनी जगह है, पर लेकिन जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो कहां से रिलीजन काम करने वाले हैं, तो रिलीजन तो बाद में आता है ना, पहले इंसान की लाइफ होती है, तो इसलिए बोला गया राइट टू लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग बोलोगे क्वेश्चन कहां से बन गया, तो ये छोटी छोटी सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी और बातें आप लोगों की रिवाइज करा देता हूं। टोटल फंडामेंटल राइट में आप लोग जाएंगे ना, तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करें तो याद रखना आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करना, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखने को मिलेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, और 24 तो याद रखना ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर बात करें कल्चर और एजुकेशनल राइट तो आर्टिकल 19 आप लोगों को देखने को मिलेंगे और आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। अगर बात एक रह गया बीच में राइट टू रिलीजन के बारे में बात करें तो 25 से लेकर 28 तक है, तो 25 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है याद रखना। और राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया आप लोगों से, शायद हरियाणा पीसीएस के अंदर पूछा गया, आसाम के अंदर में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था आर्टिकल 21 से, अब आर्टिकल 300 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 1978 में इनके द्वारा ये कारनामा किया गया। तो ये रिवीजन हो गया आप लोगों का, यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब चार धाम कौन से हैं, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया और बद्रीनाथ हो गया, ये तो उत्तराखंड वाले चार धाम हो गए, एक और चार धाम है हमारे देश के अंदर में, अब वो चार धाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में बात की तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में बात की जा रही है, एजेंडा तय किया जाएगा, तो कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से, इंपॉर्टेंट क्या है। जीएसटी काउंसिल हमारी कंट्री में आर्टिकल 279A के थ्रू बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं और बॉडी जो होती है वो सेंटर और स्टेट जो होते हैं यहां पर उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सेंटर का वोटिंग राइट होता है 1/3 जितने मेंबर है, और 2/3 रहेगा यहाँ पर स्टेट का, बेसिकली याद रखना। और जो डिसीजन लिया जाता है 75% अगर सपोर्ट मिलती है तो उसी से डिसीजन लिया जाता है, बाकी चेयरमैन और कौन कौन मेंबर है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन है याद रखना। आगे बात करते हैं न्यू डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं हमारे देश के अंदर में, तो ये भी एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर ये चीजें बढ़ेंगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीजें तो काफी सारा फायदा देश में देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे बसंत के द्वारा अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो बेसिकली एक तो प्रातस के बारे में पूछा था मैंने आप लोगों को, हालांकि ये तो आंसर मैंने दोनों आप लोगों को बताए दिए थे, ठीक है। अगले का के बारे में पूछा था यहाँ पर, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ये बेसिकली मैंने बताया था ये साउथ चाइना सी में ये वाला आइलैंड, और ये वाला बेसिकली कहां पर था, ये था मॉरिशस के अंदर, ठीक है। बाकी अगर बात करें मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर एक्सिस ऑफ इविल के बारे में, तो ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया तीन कंट्री है एक्सिस ऑफ इविल में, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, ठीक है, तो याद रखना ये बेसिकली इनको शैतान बोला गया था यूएसए के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रेड क्लिफ लाइन है इसके बारे में याद रखना, बेसिकली ये देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी, क्योंकि ये आजादी के टाइम पर बनाई गई थी, जो पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगी। क्वाड में चार ग्रुप है मैंने आप लोग को बताया दिया, और हाँ फीडबैक यार जरूर दिया करो आप लोग, और इसी के साथ में लाइक और डिसलाइक कर लेक्चर को बता सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है ये है अमामी, ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं अमामी आइलैंड कहां पर लोकेटेड है, तो ये देखने को मिलेगा आंसर हो गया बी। बी का मतलब क्या हो गया, जापान, जापान लोकेशन देखिए यहां पर ये हो गया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जापान के जस्ट नीचे जो ईस्ट चाइना सी के पास में यहां पर ये आइलैंड देखने को मिलेगा, तो कई बार न्यूज में रहता है, कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था मैंने यहां पर बेसिकली ये है यहां पर आप लोगों का बोअर युद्ध के बारे में, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के अंदर बेसिकली यहां पर ये देखने को मिला था, और गांधी जी के द्वारा इसमें रोल प्ले किया गया था, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड ये युद्ध, ठीक है। तो ये 1899 से लेकर यहां पर 1902 के बीच में यहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, किसके अंदर, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर। अच्छा, इससे रिलेटेड गांधी जी की एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को पता है गांधी जी को इसके बदले में कुछ मिला था यहां पर, ठीक है, एक तरीके से क्या मिला था चलिए बताइए, देखते हो हिस्ट्री कितनी अच्छे से पढ़ रखी है। तो इधर टोटल डिस्कशन पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को बेसिकली बता दिए यहां पर मिल जाएगी, और लेक्चर में क्या क्या देखा हम लोगों ने इसका थोड़ा सा रिव्यू करना है आप लोगों को, देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा है ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रहे। एक बार तो ओवरव्यू हम लोगों ने लिया, बाकी टेलीकॉम सेक्टर के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोगों ने समझी, सारी चीजें आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने ई श्रम के बारे में तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है, क्या गिग वर्कर होता है, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होते हैं, किस तरीके से यहां पर क्या क्या चीजें रहती है, ये सारी चीजें मैंने, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर ये पर्टिकुलर मुद्दा हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, आई क्या होती है, फाइव आई क्या होती है, ये सारी चीजें
लोगों ने समझी आसियान के बारे में, इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी कंट्री में कौन कौन सी सबमरीन है, तो ये सारी चीजें भी हम लोगों ने डिटेल में समझ ली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी यहां पर अगर बात करें, आगे हम लोगों ने बेसिकली ट्रिब्यूनल के बारे में बात की, एनसीएलटी एनपीए के बारे में बात की, ठीक है, ये बेड बैंक के बारे में बात की, इसी के साथ में ट्रिब्यूनल कहां से निकल कर आया वो समझा, इन दोनों के एनसीएलटी और एनसीएलटीएटी क्या है इनके बारे में याद रखना, क्या यहां पर बेसिकली जो दिल्ली के ऊपर बर्डन को कम करने की बात की जा रही है वो समझा, पासपोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, सीबीआई के बारे में मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप लोग याद रखना। ठीक है, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहां पर, ये आप लोग देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली अलाउ कर दिया गया है हुसैन सागर लेक के अंदर में, बोला गया कि आप लोग अभी यहां पर अपना जो गणेश जी की जो स्टेच्यू है वो इसमें बेसिकली विसर्जित कर सकते हैं, पर लेकिन आगे से अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हुसैन सागर लेक कहां पर है, हैदराबाद के अंदर, याद रखना। और आर्टिकल फिर से बोलूंगा वही, बेसिकली राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो फ्रीडम अपनी जगह पर, राइट टू लाइफ पहले है तभी इंसान जिंदा रहेगा, वरना सारी जो लेक वगैरह पोल्यूट होती है उसकी वजह से दिक्कत होती है, ये बातें इनके द्वारा तर्क दी जाती है। चार धाम कौन कौन से है वो सारी बातें डिस्कस की इसी के साथ में, याद रखना बेसिकली मैंने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई, ठीक है, तो राइट टू लाइफ और ये सारे आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं। जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बेसिकली डिफेंस के बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, इनके आंसर हो गए। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, तो एंजॉय किया तो जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।